वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। अपनी दुल्हनिया राजेश्वरी और रेचेल के साथ तेजस्वी यादव पटना पहुंचे तो शाही अंदाज में उनका स्वागत किया गया। शादी के बाद पहली बार रेचेल तेजस्वी के साथ पटना पहुंची थी। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पर समर्थक फूलों की मालाएं लेकर इंतजार कर रहे थे। दोनों का भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर रेचेल के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। भव्य स्वागत से वो काफी गदगद दिखाई दे रही थी। पटना पहुंचे तेजस्वी एयरपोर्ट पर पत्नी रेचेल का हाथों में हाथ थामे दिखाई दिए। शादी के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए तेजस्वी से जब सवाल किया गया कि इतने गुपचुप तरीके से क्यों शादी की है, तो उन्होंने जवाब दिया, छिप छिपा कर शादी करने जैसा कुछ नहीं था। दोनों परिवारों के आशीर्वाद से शादी संपन्न हुई है। हमने पहले से तय किया था कि शादी के बाद बिहार आकर रिसेप्शन करेंगे। समय कम था, खरमास शुरू होने वाला था। शादी का फैसला इतनी जल्दी हुआ कि तैयारी करने का मौका नहीं मिला। कुछ ही रिश्तेदारों को निमंत्रण दे पाए, इसीलिए हमने बिहार में रिसेप्शन करने की प्लानिंग की है। वहीं सिंपल शादी के सवाल पर पत्नी राजेश्वरी उर्फ रेचेल ने कहा कि हम चाहते थे शादी में परिवार के लोग रहें और आशीर्वाद दें। शादी में कम लोगों को बुलाने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा, कोरोना का नया वेरिएंट भी आ गया है और शादी के लगन में जगह भी कम मिलती है। अगर ऐसे में सभी को शादी में दिल्ली बुलाया जाता तो कहां फिट कर पाते, इसीलिए हमने रिसेप्शन की सोची। रिसेप्शन भी शादी का एक पार्ट है। तेजस्वी ने कहा, तेज प्रताप की शादी में इतनी भीड़ हुई थी कि मंच तक टूट गया था, इसीलिए परिवार के लोगों ने तय किया था कि शादी में कुछ खास लोगों को ही बुलाएंगे ताकि दोनों परिवार एक दूसरे को समझ सके, इसीलिए हमने थोड़ा स्पेस रखा। तेजस्वी ने बताया कि हम पहले से एक दूसरे को जानते थे। पिताजी ने पूछा था, शादी करनी है, कोई लड़की है तो बताओ। फिर मैंने उनको बताया, उन्हें राजेश्वरी पसंद आई। इसके बाद दोनों परिवार मिले और झटपट सब तैयार हो गए और शादी हो गई। अब सभी की निगाहें पटना में होने वाले रिसेप्शन पर टिकी हैं। तेजस्वी और रेचेल की शादी भले ही दिल्ली में हुई हो, लेकिन उनकी रिसेप्शन की तैयारियां पटना में चल रही हैं। सूत्रों का कहना है कि अगले दो दिनों में ही खरमास शुरू होने वाला है, इसीलिए रिसेप्शन का आयोजन 15 जनवरी के बाद किया जा सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।